अमित दास जी हमारे साथ हैं। मैं जी अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बार फिर से विवाद बयान है, वो कह रहे हैं कि एक मस्जिद हम खो चुके हैं और आप लोग बाकी की मस्जिदों को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, जिस प्रकार से एक राष्ट्र मंदिर का सेवक ही मैं कहूंगा, पुजारी ही कहूंगा, क्योंकि भारत देश का मंदिर संसद भवन और संसद भवन में बैठने वाला व्यक्ति पुजारी होगा और पुजारी की इस प्रकार की मनोवृत्ति हो, दृष्टि हो, मनोभाव हो, दुर्भाग्य की बात है कि देश धर्म से नहीं, देश संविधान से चलता है। लेकिन हमारा देश धार्मिक है, सनातन पद्धति रग रग में कण कण में व्याप्त है और जिस प्रकार से मैं निवेदन करता हूँ, अगर आपके मस्जिद में शंख चक्र पुष्प कमल भगवान की शिवलिंग नंदी ये चीज दिखे तो वो मंदिर ही होगा। आपने नहीं तोड़ा, आक्रांताओं ने तोड़ा। आक्रांताओं से इतना प्यार क्यों, बाबर से इतना लगाव क्यों, बाबर से इतनी प्यार क्यों, बाबरी सी के तरफ इतनी झुकाव क्यों? बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, चोर था, नीच था, लुटेरा था, बलात्कारी था, व्यभिचारी था, माता बहन बेटियों का इज्जत लूटता था, गुरुकुलों को तोड़ता था, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ता था, जिसका परिणाम स्वरूप है अयोध्या। आप देखिए जहाँ कनकर हर जगह सुनिए सीताराम सीताराम सीताराम, जहाँ भी जाएंगे कोई पागल भी, आप बताइए कि क्या यह संभव है क्या मक्का में? मक्का में अगर हम वहाँ मंदिर बनाए और हिंदू जाए, संभव है क्या ये कनकर में? लेकिन नहीं, सनातन सिखाता धर्म की जय, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल, विश्व बंधुत्व के साथ हम लोग कार्य करते हैं, ऐसे कोई भाव ही नहीं। लेकिन मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं कि हिफाजत करो आवाज। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो शुद्ध रूप से राजनीतिक घड़ियाल है और शुद्ध रूप से बौद्धिक आतंकवादी है और बौद्धिक आतंकवाद फैलाकर मुसलमानों को आतंकी बनाने का साजिश कर रहे हैं। मुसलमानों को समझना चाहिए और हिंदुस्तान का मुसलमान समझ भी चुका है, हिंदुस्तान का मुसलमान जागरूक है, अब इनके चंगुल में आने वाला नहीं है। एक तरफ तो वो कहते हैं बौद्धिक स्तर सुधारा जाए मुसलमानों का, जिससे इस प्रकार से आतंकवाद का घटना करना, आतंकवादी वारदात में अधिकतर मुसलमानों का साबित होना, शामिल होना, यह दर्शाता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान शिक्षित नहीं है, शिक्षित किया जाए। वैसे जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति बैरिस्टर और देश के जनता ने सदन में बैठा है, ये राष्ट्र मंदिर का पुजारी बौद्धिक आतंकवादी हो जाए, दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए ये शुद्ध रूप से मुसलमानों को भड़का कर अपना रोजी रोटी सेकना चाहते और कुछ नहीं। एक अंतिम सवाल है, कांग्रेस के यहाँ बड़े नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से इनकार कर दिया, आज उनके उत्तर प्रदेश के नेता यहाँ पर आ रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा, इन कालनेमियों से सावधान होने की जरूरत है। ये वही कालनेमी है जो गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं, कभी गोली चलाते हैं, कभी राम को काल्पनिक कहते हैं, कभी बाबरी मस्जिद बनना चाहिए। जब ये हुजूम जय जय श्री राम का लोग लगाकर, यहाँ कोई किसी की जात नहीं पूछी है, तिलक देख लीजिए, चंदन देख लीजिए, भगवा वस्त्र देख लीजिए, कोई पार्टी का एजेंट नहीं है, इनका श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, कोई पैदल चला रहा है, कोई लेट के आ रहा है, कोई जयकारा लगाते हुए चला रहा है, ये डर के मार से यह परिवर्तन आ रहा है, मामूली परिवर्तन नहीं है। तो धन्यवाद राजू दास जो कह रहे हैं कि डर के कारण से परिवर्तन आ रहा है, और जहां तक अकबरुद्दीन ओवैसी की बात है तो बौद्धिक आतंकवादियों और घड़ियाली राजनीतिज्ञ और उनके एक बहकावे में मुसलमान नहीं आएगा। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ यतीन शर्मा, अयोध्या, न्यूज 18 इंडिया।